हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हैंड एंड रिस्ट का प्लास्टर निकालने के बाद हैंड एंड रिस्ट की केयर कैसे करनी चाहिए और साथ ही कौन कौन सी इनिशियल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं केयरिंग फॉर योर स्किन, मतलब अपनी त्वचा का ध्यान रखें। कास्ट निकलने के बाद आप नोटिस करते हो कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गई है, तो ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए आप सबसे पहले अपने हैंड और फोर आर्म को 5 से 10 मिनट के लिए गुनगुने पानी में रखिए। उसके बाद बहुत ही नर्म तरीके से टॉवल से अपनी स्किन को साफ करिए। साफ करते समय आपकी डेड स्किन भी बड़ी आसानी से बाहर निकलने लगेगी। इसके बाद हैंड और फोर आर्म स्किन को अच्छे से सुखा लीजिए और फिर एक अच्छे क्वालिटी की मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाइए। ये प्रोसेस आप रोज़ करिए जब तक कि आपकी स्किन नॉर्मल ना हो जाए। स्किन केयर के बाद अब बात करते हैं पेन और स्वेलिंग की। प्लास्टर निकालने के बाद हाथ और बाजू में दर्द और अकड़न रहती है। दर्द और अकड़न रहने के बावजूद भी आप अपने हाथ को एक नॉर्मल तरीके से यूज़ करने की कोशिश करें। अपनी टॉलरेंस के हिसाब से हाथ से जो काम कर पाते हैं उसे ज़रूर करें। दर्द और अकड़न की वजह से हाथ को और ज़्यादा रेस्ट नहीं देना है। अगर आप रेस्ट देंगे तो स्वेलिंग और पेन और ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए आप जितना अपने टॉलरेंस के हिसाब से अपने हाथ को चलाओगे उतनी ही मसल्स को ताकत मिलेगी और दर्द और अकड़न कम होने लगेगी। प्लास्टर निकालने के बाद हाथ में स्वेलिंग कई महीनों तक रह सकती है। इसे कम करने के लिए हमेशा अपने हाथ को एलिवेट करके रखें जब भी आप रेस्ट कर रहे हों। इसके लिए आप अपने अफेक्टेड साइड हैंड को अपोजिट साइड शोल्डर पर रख सकते हैं व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट। स्वेलिंग कम करने के लिए आप ट्यूबी ग्रिप सपोर्ट भी अपने रिस्ट में पहन सकते हैं। ये एक स्ट्रेचेबल सपोर्ट होता है जो आपकी उंगलियों से शुरू होकर आपकी एल्बो के जस्ट नीचे जाकर ख़त्म होता है। ट्यूबी ग्रिप सपोर्ट का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ से इसे चेकआउट कर सकते हैं। जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप दो बातों का ज़रूर ध्यान रखें। पहली बात, सोने जाने से पहले आप इसे अपनी कलाई पर से निकाल दें और फिर जागने पर फिर से आप इसे पहन सकते हैं। दूसरी बात की ट्यूबी ग्रिप पहनने के बाद अगर उंगलियां नीली नज़र आने लगती हैं या फिर उनमें और भी ज़्यादा सूजन और उंगलियों में सुन्नपन जैसा महसूस होता है तो आप ट्यूबी ग्रिप को तुरंत निकाल दें। ये तो थी देखभाल करने की बातें। अब बात करते हैं कि कास्ट निकालने के बाद पहले दिन से ही कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आप नॉन ऑपरेटिव कंडीशन में कर सकते हैं। नॉन ऑपरेटिव कंडीशन उस कंडीशन को बोलते हैं जिसमें फ्रैक्चर ठीक करने के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जो कास्ट लगाकर इम्यूबलाइज करके ही ठीक कर दिया जाता है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आप कास्ट निकालने के पहले दिन से ही एक्सरसाइजेस शुरू कर दें, क्योंकि एक्सरसाइजेस करने से और नॉर्मल मूवमेंट रिगेन करने से कलाई की अकड़न और दर्द दोनों ही धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अभी जो सेट ऑफ एक्सरसाइजेस आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही हल्की और इजी टू डू एक्सरसाइजेस हैं, जिन्हें आप दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं और एक एक्सरसाइज को एक बारी में 8 से 10 बार कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको अपनी बाजू को टेबल या बेड के ऊपर सपोर्टेड रखना है और कलाई को इस तरह से एज पर रखना है। इसके बाद अपनी हथेली को धीरे धीरे इस तरह से ऊपर करना शुरू करिए। यहाँ पर 10 सेकंड के लिए इसे रोकिए। 10 सेकंड रोकने के बाद हथेली को नीचे की तरफ ले जाइए और यहाँ भी 10 सेकंड के लिए इसे रोकिए। ऐसे ही इस एक्सरसाइज को 10 बार रिपीट करिए। सेकेंड एक्सरसाइज में आपको अपना हाथ इस तरह से टेबल या फिर बेड पर रखना है। इसके बाद हाथ को इस तरह से धीरे धीरे लेफ्ट राइट मूव करना है। एक तरफ ले जाने के बाद 10 सेकेंड के लिए रोकिए और फिर दूसरी तरफ ले जाने के बाद भी 10 सेकेंड के लिए रोकिए। थर्ड एक्सरसाइज आपके एल्बो जॉइंट के लिए है। रिस्ट फ्रैक्चर प्लास्टर के साथ आपके एडजेसेंट जॉइंट भी अफेक्ट होते हैं, तो इसलिए एल्बो जॉइंट की भी एक्सरसाइजेस करना ज़रूरी होता है। इसमें आपको अपनी एल्बो को इस तरह से साइड में टक करना है और फिर धीरे धीरे अपनी फोरआर्म यानी बाजू को बाहर की तरफ घुमाना है।
कुछ देर इस पोजीशन को रोकिए और फिर वापस फोरआर्म को अंदर की तरफ घुमाइए। सेम तरीके से इस एक्सरसाइज को एक बारी में 10 बार करिए। फोर्थ एक्सरसाइज में आपको अपनी एल्बो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ बेंड करना है। इसमें भी 10 सेकेंड के लिए रोकना है और फिर वापस एल्बो को सीधा करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको अपने हाथ से टाइट मुट्ठी बांधने की कोशिश करनी है। शुरू में करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे पेशेंस के साथ ये एक्सरसाइज रेगुलरली करेंगे तो धीरे धीरे आपकी फिंगर्स बेंड होने लगेगी और मुट्ठी भी बनने लगेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको अपने अंगूठे से सभी फिंगर्स के बेस पार्ट को इस तरह से बारी बारी से टच करना है। ये एक्सरसाइज भी आप एक बारी में 10 बार कर सकते हैं। तो ये थी वो ज़रूरी बातें जो आप अपनी रिस्ट फ्रैक्चर को रिकवर करने के लिए फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरी आगे की हेल्थ वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।